आज संसद में जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाने वाली देश की संसद में आज सुरक्षा व्यवस्था तार तार हुई है। लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, ठीक उसी वक्त दो लोग संसद के भीतर सदन में कूद पड़े। इन आरोपियों के पास फायर क्रैकर थे, जिसे इन्होंने संसद के अंदर ही फोड़ा और संसद धुआं धुआं हो गया। जिस तरह से आरोपियों ने सुरक्षा का सिस्टम तोड़ा, उसने कुछ देर के लिए सांसदों को खौफ से भर दिया। आपको पूरी खबर तफसील से दिखाएंगे, मगर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करने जा रहे हैं। गुरुग्राम से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने विनय शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। ये चारों आरोपी गुरुग्राम के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 67 में रुके थे, जहां से पुलिस ने विकी शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी विकी शर्मा के दोस्त थे। विकी मूल रूप से हिसार का रहने वाला बताया जा रहा है। एक लड़की भी जिसने संसद भवन के बाहर फायर क्रैकर से धुआं करने की कोशिश की, जिसको गिरफ्तार किया गया, वो भी हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम के एक घर में रुके हुए थे चारों आरोपी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद की सुरक्षा में चूक पर यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, गुरुग्राम के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 67 में ये लोग रुके हुए थे, जहां से पुलिस ने विकी शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। संसद भवन से ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी आई हो या शायद ही कभी आए। कितना अजीब है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर एक आदमी दर्शक दीर्घा से नीचे कूद जाता है, उसके पीछे उसका साथी भी कूदता है और दोनों सभापति की चेयर की ओर बढ़ते हैं। मगर चेयर तक पहुंचने से पहले इन्हें सांसद पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करते हैं। जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, प्रश्नकाल शुरू होने वाला था। दोपहर के करीब 1:01 हुए थे। चेयर पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे हुए थे और मालदा उत्तर से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। अचानक ये शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा और सांसदों की सीटों पर भागने लगा। पल भर के लिए तो सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ। ये शख्स सभापति की चेयर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सांसदों ने इसे घेर लिया। जैसे ही सांसदों ने इसे घेरा, इसने अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया। सांसदों को लगा कि ये जूता फेंकने वाला है, मगर नहीं, इसने जूते में फायर क्रैकर लगा रखे थे, स्मोक पाउडर भर रखा था। मौका मिलते ही इसने फायर क्रैकर फोड़ दिया। पूरा संसद भवन पीले धुएं से भर गया। जिस वक्त ये नीचे कूदा था, उसके ठीक पीछे एक शख्स और कूदा था, जो इसका साथी है। दोनों के संसद में कूदते ही अफरा तफरी मच गई। सभापति ने 2 तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया, लेकिन संसद में तब तक भगदड़ मच चुकी थी। राहुल गांधी भी उस वक्त संसद में ही थे। जैसे ही बवाल हुआ, वो भी बाहर की ओर भागे, मगर सागर शर्मा नाम का ये आदमी जहां कूदा था, उसके सबसे करीब बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर थे। मलूक नागर से सुनिए उस वक्त हुआ क्या था। जहाँ पे मेरी सीट है, उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा, वहाँ से शो में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आवाज आई, धूम जैसी, तो हमने लगा कि कोई गिरा है और चोट लगी है, तो सबका ध्यान उधर गया। इतने ही में एक और कूदा, और कूदने के बाद जो हम जहाँ से एमपी निकलते हैं, निकलने का जो रास्ता, चलने का या भागने का, उसमें नहीं आया। वो सीटों के ऊपर कर ऐसे कूदता हुआ आया। जब तीसरी बार कूद रहा था, लगा इसकी तो नीयत खराब है, तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और भाग करके जैसे ही उसे पकड़ने को दे, उसे जूता निकाला, तो हमें लगा ये जूता फेंक करके मारेगा शायद, तो उससे थोड़ा सा बच के फिर उसे पकड़ने की कोशिश करी, तो जूते में से कोई चीज खींची उसने, और उसमें से धुआं धुआं गैस पूरा निकलने का लगा। तो लगा अब तो गैस तो निकल गई, अब तो जो भी होगा। बस गुस्से में एमपीओ ने हमने पीटा, ये नींद भी पड़ा हाथ में, पिटाई तो उसकी खूब करी है। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, उसे उठा करके। मलूक नागर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, मगर इतना जरूर हुआ कि खौफ से झुरझुरी दौड़ गई। बावजूद इसके कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई। देखिए कैसे इसे घेर लिया, बाद में सांसदों ने इसे पकड़ लिया, और फिर पकड़ कर जो किया वो सामने है। सांसदों ने इसे जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि जिन दो लोगों ने सांसदों के बीच में छलांग लगाई, उनके साथ संसद भवन के भीतर एक महिला भी थी, जो इन्हें मोटिवेट कर रही थी।
संसद भवन में दर्शक दीर्घा से छलांग लगाने वाला ये शख्स नारेबाजी कर रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। टारगेट उनका था, वो अध्यक्ष थे, टारगेट चेयर थी, चेयर की ओर बढ़ रहे थे और जब उनको पकड़ा, उनको जब दबोच लिया, उसके बाद वो कह रहे थे हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे साहब, हमें मार नारे लगा रहे थे। नारे तो कोई आराम से नहीं सुनाई दिया, ढंग से नारे नहीं सुने। उन्होंने कुछ गैस भी छोड़ी, गैस छोड़ी उन्होंने, पीले कलर की गैस दोनों नहीं छोड़ी। एक को जब उठा के लगे थे, जब जाते जाते उसने जूते से निकाल के छोड़ दी और दूसरा गैस छोड़ रहा था पीछे से। बहुत बड़ी प्लानिंग से हुआ है। महिला भी थी कोई? एक महिला ऊपर थी जो उनको मोटिवेट कर रही थी। जो आरोपी संसद भवन में घुसे थे वो पूरे प्लान के साथ आए थे। तभी तो जैसे ही पहला शख्स गैलरी से कूदा, वैसे ही उसके पीछे दूसरा शख्स भी कूदा। अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागू, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके, तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। उधर संसद भवन के भीतर जैसा बवाल मचा था, ठीक वैसा ही बवाल संसद के बाहर मचा था। संसद भवन के बाहर एक युवक और एक महिला प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक वैसा ही स्मोक क्रैकर इनके पास भी था। इन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया और पल भर में यहाँ पीला धुआं फैल गया। आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर काफी धुआं हो गया था, कई कलर के यहाँ पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर लोग मौजूद थे, दो लोग, एक महिला जिसका नाम नीलम था जो कि महाराष्ट्र से आई थी, और जो दूसरा व्यक्ति था वो व्यक्ति जो है उसने इस कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, और स्मोक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे वो यहाँ पर काफी संख्या में वहां से आए और वो जो व्यक्ति था, जो महिला थी और पुरुष, दोनों को डिटेन किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। संसद के बाहर भी विरोध करने वाली महिला वैसे ही नारे लगा रही थी। हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि आखिर ऐसा इसने क्यों किया। सुनिए आरोपी महिला ने क्या बताया। नारेबाजी कर रहे हैं आप, ये जो तानाशाही हो रही है ना, जो हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो आम जनता है, ये नाराजगी आपकी, हमारी जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं, लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला हुआ था, तब 14 लोग उस हमले में शहीद हुए थे। आज उसी हमले की बरसी थी, इसीलिए आज की तारीख संवेदनशील थी। बावजूद इसके ये लोग सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में कामयाब रहे। अब जांच की जा रही है कि चूक आखिर हुई कहां और कैसे अपने साथ ये स्मोक क्रैकर लेकर जाने में कामयाब हुए। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी, आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि 5 आरोपी पहुंचे हुए थे संसद भवन तक, 4 को तो पुलिस ने पकड़ लिया है लेकिन एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा है। संसद की सुरक्षा में चूक पर यह बड़ा मामला सामने आया है। संसद जाने वाला 5वां आरोपी जिसका नाम ललित बताया जा रहा है वो मौके से फरार हो गया। हंगामे के बाद ललित संसद से फरार हो गया है, उसकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार इस वक्त की जा रही हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित के पास आरोपियों के मोबाइल फोन भी थे, वो फरार बताया जा रहा है, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है अरविंद? देखिए, सबसे पहले आज तक ने तकरीबन 1 घंटे पहले ललित झा के नाम का खुलासा किया था सूत्रों के हवाले से, और जिस पर मोहर भी लग गई है। ललित झा दरअसल जो 4 आरोपी हैं, 2
जिन्होंने संसद भवन के बाहर हंगामा किया, दो जिन्होंने सुरक्षा में बड़ा सवाल खड़ा करते हुए संसद की अंदर दाखिल हुआ और वहां हंगामा किया। लेकिन अब यह जानकारी मिली है कि कुल 5 लोग आए थे संसद भवन के बाहर, जिसमें ललित झा भी मौजूद था। बाहर जो हंगामा कर रही थी जिसमें हिरासत में ली गई है नीलम अमोल, जबकि अंदर दो लोग हिरासत में लिए गए थे जिन्होंने हंगामा किया था। कुल चारों लोगों ने ललित झा को बाहर अपना मोबाइल फोन हैंडओवर किया और जैसे ही हंगामा हुआ ललित झा मौके से फरार हो गया। अब ललित झा की तलाश हो रही है, क्यों? क्योंकि वो एक अहम किरदार है। एक तो इसलिए कि पूरी प्लानिंग पूरी साजिश के बारे में जानता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि चारों लोग जो फिलहाल हिरासत में है उन सभी का मोबाइल फोन उनके पास है और मोबाइल फोन से बड़ा सुराग हाथ लग सकता है। उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है कि कहां कहां वो पहले से मौजूद थे, किन से बातचीत हो रही थी, तो तमाम चीजें। तो मोबाइल फोन काफी अहम है, इस वजह से ललित झा की तलाश हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, गुरुग्राम में भी छापेमारी हुई है सेक्टर 7 में, वहां से विक्की शर्मा और उसकी वाइफ को हिरासत में लिया गया है। माना यह जा रहा है कि सबसे पहले जो आरोपी 5 आरोपी जो दिल्ली के बाहर से आए थे वो गुरुग्राम में रुके थे। तो अब फिलहाल एक किरदार ललित झा उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि हंगामा करने से पहले चाहे बाहर चाहे अंदर कुल 4 लोगों ने मोबाइल फोन ललित झा को दे दिया था। तो अब ललित झा की तलाश की जा रही है, लेकिन प्लानिंग बड़ी है, प्लानिंग काफी वक्त से है, प्रॉपर रेकी की गई है, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इसकी जांच पड़ताल फिलहाल स्पेशल। और इन लोगों के पीछे कौन कौन से और चेहरे हैं इसकी भी पड़ताल की जाएगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कुछ लोग संसद के भीतर घुस जाते हैं और ऐसा उत्पात मचाते हैं कि पूरा का पूरा देश सन्न रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी दर्शक बनकर संसद के भीतर घुसे थे और इन्होंने मैसूर के एक सांसद के जरिए अपना एंट्री पास बनवाया था। जिन आरोपियों ने थोड़ी देर के लिए पूरे देश को सन्न कर दिया, आखिर वो कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को टारगेट किया? आखिर कैसे ये आम से दिखने वाले शख्स देश की सबसे सुरक्षित इमारत में घुसे? इस घुसपैठ का मकसद क्या था? क्या अंदर और बाहर सुरक्षा में हुई चूक का कोई कनेक्शन था? क्या इन प्रदर्शनकारियों का आपस में कोई रिश्ता है? आखिर पूरी प्लानिंग कैसे तैयार की गई? ये वो सवाल हैं जिसके हर पहलू को लेकर अब जांच की जा रही है। मामला गंभीर है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों से लेकर दिल्ली पुलिस तक पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। लोकसभा में कूदने वाले दो शख्स की पहचान सागर और मनोरंजन के रूप में हुई है। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, वहीं दूसरा शख्स मनोरंजन मैसूर से है। बाहर प्रदर्शन करने वालों में एक महिला नीलम है जो कि हरियाणा के जींद से है और हिसार में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं बाहर प्रदर्शन कर रहा दूसरा शख्स अमोल है जो महाराष्ट्र के लातूर का बताया जा रहा है। पार्लियामेंट के ठीक बाहर दो लोगों ने हंगामा शुरू किया जिसमें एक महिला थी एक पुरुष थे। तुरंत जो इलाके की पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और पार्लियामेंट के इस पुलिस स्टेशन में दोनों को लाया जाता है। जो DCP नई दिल्ली है उन्होंने आज तक को बताया है कि एक महिला उसका नाम नीलम है जबकि जो दूसरा पुरुष है उसका नाम अमोल है। जो महिला है वो हरियाणा के हिसार के रहने वाली है जबकि जो अमोल है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। लोकल पुलिस के अलावा स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उस मामले में दोनों जो व्यक्ति हैं उनको अंदर ही हिरासत में लिया गया है। वहां पर भी स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के अलावा सेंट्रल एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया और कलर वाले पटाखे छोड़े और अंदर जिस तरीके से हंगामा किया और कलर वाले पटाखे छोड़े उससे ऐसा लगता है कि ये सभी लोग चाहे पार्लियामेंट के बाहर हंगामा करने वाले हों चाहे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले हों सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं। सागर शर्मा नाम के शख्स ने BJP सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर विजिटर पास लिया था जिसके जरिए वो संसद के अंदर दाखिल हुआ।
इस पास के जरिए लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, जहां से इन्होंने सदन के अंदर छलांग लगाई। प्रताप सिंह मैसूर कोडागु क्षेत्र से सांसद हैं। संसद की कार्यवाही देखने के लिए आम लोगों को पास की जरूरत होती है और ये पास उसी के तहत दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए जारी किया गया था। पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है। खबरों की माने तो इसमें छह लोग शामिल थे, जिनमें चार लोग तुरंत सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गए, वहीं दो शख्स यहां से फरार हो गए। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक संसद भवन के अंदर और बाहर हंगामा करने के मामले में बड़ी साजिश की गई थी और इस साजिश में कुल छह लोग शामिल थे। पांच लोग दिल्ली के बाहर से आए थे और वो गुरुग्राम में ललित झा नाम के एक शख्स के घर के अंदर रुके हुए थे और सुबह के वक्त 13 दिसंबर को सुबह के वक्त पांच लोग गुरुग्राम से निकलते हैं, जिसमें चार लोग संसद भवन के आसपास पहुंचते हैं, दो लोग बाहर हंगामा करते हैं, दो लोग अंदर हंगामा करते हैं। कुल चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस मामले में दो लोग फरार चल रहे हैं। अभी एक शख्स की इस मामले में पहचान नहीं हो पाई है। बाहर हंगामा करने वाली नीलम हिसार के पीजी में रहती है, जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। 25 नवंबर को पीजी से घर जाने की बात कहकर नीलम निकली थी। बताया जा रहा है कि नीलम कई प्रदर्शनों में शामिल हो चुकी है, जिनमें किसान आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन के अलावा कई परीक्षाओं को लेकर हुए प्रदर्शन भी शामिल थे। हालांकि तस्वीरों के आने के बाद नीलम का परिवार भी हैरान है। वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक तो। हमें जब जहां तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फोन आया था तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात हुई, परसों तो घर पे ही थी वो, बार बनने के लिए आई थी। नीलम आज सुबह से बात हुई थी। हमने इसमें भाई ने देखा। पढ़ाई के नाम पर अपने घर से झूठ बोलकर नीलम हिसार के लिए निकली, लेकिन हिसार नहीं पहुंची बल्कि दिल्ली आए और जबरदस्त तरीके से आपने देखा किस तरह से हंगामा किया। उम्मीद यही कि आगे इनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि नजीर बने। और दूसरा मामला संसद की सुरक्षा को लेकर, उसकी भी रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि सांसदों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सीधा मामला है।